हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके मैक में मल्टीपल पार्टीशन है और आप उनमें से कुछ पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सीखेंगे कि हम किस तरह उन्हें डिलीट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले लॉन्च पैड पर जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क यूटिलिटी को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डिस्क यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो आपके सामने पार्टीशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पार्टीशन है जो मेरे मैक में बनी हुई है। सबसे ऊपर पार्टीशन पर ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसलिए हमें डिलीट नहीं कर सकते। मैं यहाँ से सबसे नीचे वाले पार्टीशन को डिलीट करूँगा जो 41.32 GB की है। तो सबसे पहले आपने पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है जो भी पार्टीशन आपने डिलीट करनी है। इसके बाद आपको ऊपर पार्टीशन का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट की पार्टीशन आ गई है 41 GB वाली। आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लस और माइनस का। आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने पार्टीशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्टीशन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूविंग स्टार्ट हो गई है। 4 से 5 सेकंड में आपकी पार्टीशन डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पार्टीशन डिलीट हो गई है। तो आप इस तरह से मैक ओएस में पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं। जो पार्टीशन डिलीट होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो ऊपर वाली पार्टीशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और पार्टीशन को डिलीट करता हूँ, यहाँ पर 166 GB के पार्टीशन है, मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। वही तरीका है, पार्टीशन को आपने क्लिक करना है, इसके बाद आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने अप्लाई करना है और अप्लाई के बाद आपने पार्टीशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और पार्टीशन डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन डिलीट हो गई है और उसका जो वॉल्यूम है वो ऊपर वाली पार्टीशन में आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप इस तरह मैक ओएस में किसी भी पार्टीशन को इस तरीके के मुताबिक डिलीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।